Assalamualaikum. <laughs> मुझे एक क्वेश्चन आया है कि भाई आप से रिक्वेस्ट है कि आप पर आवर सैलरी पे एक वीडियो बना दें तो चलो मैं उस पर बना रहा हूँ वो यार कि ये है कि हर स्टेट का ना एक मिनिमम आवरली वेज होती है इट काइंड ऑफ वेरीज बिटवीन सेवन टू ट्व डॉलर्स पर आवर जो मिनिमम है कि से आप वॉलमार्ट पे, पे, जा, पे जाके मैकडोनल्ड्स पे जाके जॉब करते हो तो आपको मिनिमम कितने पैसे मिलेंगे हमारे साथ थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा ऐसे नहीं होता हमारा इसलिए क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पहले रिसर्च पे जब आते हैं तो आप अनपेड आ रहे हो राइट आ, फिर उसके बाद जब आपको पेड होती है तो वो पर आवर ली नहीं होती ज्यादातर स्टाइपेंड होते हैं स्टाइपेंड पे भी फिर इवेंचुअली आपका स्टाइपेंड ऊपर होता जाता है ज़्यादातर जो स्टार्ट होता है वो 600 से 1200 डॉलर पे होता है 1200 से हो गया फिर 2000 डॉलर और हाईएस्ट जो मुझे पता है आप ढाई हजार डॉलर तक रिसर्च असिस्िस्टेंट हो गया पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो हो गया तो उनकी इतनी सैलरी होती है एनी वेयर फ्राम टू हंड्रेड ट्वेंटी समथिंग तो आवरली वेज नहीं होती इतनी और अगर आपने मैथ करना ही है आपको पे भी कोई नहीं करा अगर आप ज़्यादा घंटे काम करोगे ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे या कम करोगे तो कम मिलेंगे अमूमन uh, जो है वो यही होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपने पूरे करने होते हैं अगर आपने बहुत ज्यादा मैथ करना है तो डिपेंडिंग ऑन आप पे है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो राइट right? तो इट विल वेरी बिटवीन एट टू फिफ्टीन डॉलर्स पर आवर फिर आप रेजिडेंसी में आ जाते हैं रेजिडेंसी में जो ऑन पेपर होता है ना आपका रेट इट काइंड ऑफ बिटवीन ट्वेंटी एट डॉलर पर आवर लेकिन सिर्फ ये टोपी ड्रामा होता है ऐसे कोई नहीं होता ये ये आपके प्रोग्राम को एक असाइन करना होता है मोनिटरिंग नंबर बेस्ड ऑन द्शन के आप फोर्टी आवर्स काम कर रहे हो फोर्टी आवर्स पर वीक कोई रेजिडेंट काम नहीं करता अमेरिका में सारे रेजिडेंट्स जो हैं वो कुछ सिक्सटी टू एटी आवर्स काम कर रहे होते हैं तो लेकिन आपको सैलरी जो है वो फोर्टी आवर्स की मिलती है दैट इज कंसिडर्ड फुल टाइम तो फिर अगेन ऑन पेपर जो है आपका रेट लग रहा है लाइक अ सेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव डॉलर्स के आस पास लेकिन जो एक्चुअली आपको पेड हो रहा है क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो दैट इज लेस दैन दैट राइट वो आपको पंद्रह डॉलर के आसपास पास बनता है फिर आता है मून लाइटिंग मून लाइटिंग जो है वो बहुत वेरिएबल होती है मून लाइटिंग का क्या मतलब है मून लाइटिंग का मतलब ये है कि जो शिफ्टें आपकी नहीं थी जो आपको कॉल्स नहीं करनी थी आप एक्स्ट्रा उसको वॉल्टियर करके आ, काम कर रहे हो तो उसमें आपका ये होता है कि अगेन हर प्रोग्राम का हर स्टेट का बहुत वेरिएबल रेट है कहीं पे आपको हंड्रेड डॉलर पर आवर मिलता है कहीं पे एक रात की ड्यूटी का थाउजेंड डॉलर मिलता है कहीं पे एक, रा, एक एक, शिफ्ट का पूरे का फाइव हंड्रेड डॉलर मिलता है तो अगेन दैट्स प्रटी वेरिएबल कहीं पे फिफ्टी डॉलर पर आवर मिलता है ठीक है और ये जो भी मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ आपको इनमें तकरीबन थर्टी परसेंट टैक्स कटेगा राइट तो अगर आपको फिफ्टी डॉलर पर आवर मिल रहा है तो आपके हाथ में थर्टी डॉलर्स तक आएंगे अगर आपको हंड्रेड डॉलर मिल रहा है तो सिक्सटी के आसपास उस एक घंटे के आएंगे अगर आप पूरी रात की मून लाइटिंग कर रहे हो जो कि अमूमन अच्छा मून लाइटिंग ज़्यादातर ना इंटर्नस को पहले साल में नहीं मिलती वो दूसरे साल के बाद शुरू होती है और बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो मून लाइटिंग देते ही नहीं है ठीक है तो ये ज़रूरी है ये आपको मून लाइटिंग वहीं पर मिलेगी तो एज अ रेजिडेंट जहाँ पर आपका प्रोग्राम अलाउ करता तो है, है तो कुछ जगहों में जैसे मैंने आपको बताया हज़ार डॉलर है तो वहाँ पर आपको कट कटा के छः सौ बीस साढ़े छः सौ डॉलर के आसपास आता है अच्छा और क्या फेलो है तो फेलो रेजिडेंट की तकरीबन एक जैसी होती है आप दो तीन डॉलर ज़्यादा कर लोगे जितनी रेजिडेंट है उससे फिर आता है जी आपका होगी आवरली सैलरी एज एन अटेंडिंग कितनी होती है वो बहुत वेरिएबल है क्योंकि वो जो आवरली सैलरी एज एन अटेंडिंग है ना मैं जिस तरह वैसे रूटीन आपको मैंने एनुअल सैलरी बताई थी वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है एक आप कितने बड़े शहर में हो बड़े शहरों में सैलरी बहुत कम होती है दूसरा आप एकेडमिक सेटिंग्स में हो के नहीं है जो एकेडमिक सेटिंग्स में होते हैं एकेडमिक सेटिंग्स मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह पाकिस्तान में आपको डाओ है, है आ खान है किंग एडवर्ड है मेम है मतलब ये सारे जिस जिस के साथ एक मेडिकल स्कूल अटैच्ड है ना एक यूनिवर्सिटी अटैचड है वहाँ सैलरी अमूमन आधी होती हैं कभी आधी से भी कम होती हैं जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी उतनी कम सैलरी होगी और फिर तीसरा आ जाता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हो के नहीं हो आप ओन करते हो हुए नहीं प्रैक्टिस जो बिलिंग होती है ना अमेरिका में वो दो किस्म की होती है एक होती है टेक्निकल फी एक होती है, एक होती है फिजिशन फी राइट मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ मैं कोई प्रोसीजर करता हूँ ना तो उस प्रोसीजर का दो हज़ार डॉलर अगर बिल है ना तो लेट्स से कि उसमें से 2000 में से 1200 डॉलर जो रहता है वो टेक्निकल फ़ी है कि जो इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ एन जी मशीन है वो या क्लिनिक का कमरा है उसका किराया ये सब तो वो टेक्निकल फीस है उसमें नर्सिंग का खर्चा टेक्नीशियंस का खर्चा सारा निकलता है जो पीछे बचा है आठ डॉलर वो हॉस्पिटल को जा रहा है मेरा फिजिशियन फी उस आठ का एक छोटा सा टुकड़ा जो अमूमन थर्टी परसेंट होता है दो सौ तीन सौ डॉलर वो मेरे पास आएगा उस दो सौ तीन सौ डॉलर का मैं फिर मुझे टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स कट कटा के मुझे उस पे से सौ डॉलर आ जाएगा ठीक है तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का आ, बिलिंग का सिस्टम समझाना चाह रहा था तो अब आप इसलिए द रीजन आई यू ऑल दिस कि आपको वेरिएबिलिटी समझ आ जाए क्योंकि एक हॉस्पिटलिस्ट जो है वो आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा जहां पे एट्टी डॉलर्स पर आवर उसे मिल रहे होंगे या सेवेंटी डॉलर्स पर आवर मिल रहे होंगे और आपको ऐसा भी हॉस्पिटलिस्ट मिलेगा जिससे थ्री हंड्रेड डॉलर्स पर आवर मिल रहे हैं ठीक है एक्सट्रीमली रेयर बट कैन हैपन एंड हैव पर्सनली सीन इट हैपन ठीक है तो इसी तरह पीडियोट्रिशन है फैमिली प्रैक्टिशनर्स है पैथोलॉजिस्ट है वो सब ईडी वाले हैं वो सब के अमूमन इसी तरह रेट रेटवेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हो कहीं पे 200 डॉलर घंटे के गे हैं कहीं पर सौ डॉलर घंटे के और जो भी आपको नंबर में बता रहा हूँ इसमें से फोटी परसेंट आप टैक्स काट लोगे अच्छा फिर हायर एंड स्पेशलिटीज़ आ गई हैं उनको अमूमन आवरली कोई नहीं पे करता लेकिन अगर आपको चाहिए ही नंबर के नहीं मैंने uh, मुझे हाँ, आपके मैथ करके बताइए आई नीड टू नो कि वट इज़ दी आवरली सैलरी ऑफ लट्स एनिसियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट वैस्कुलर सर्जन ये सब तो अगेन देर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी इट विल वेरी एनी बिटवीन आई विल से वन सेवेंटी डॉलर पर आवर टू फोर हंड्रेड डॉलर पर आवर ठीक है तो वो आप मैथ कर लो अब वो अगर आप कहोगे जी नहीं मैंने शिकागो में जाके रहना है न्यूयॉर्क में जा के रहना है मैंने जॉन्स हॉपकिंस में काम करना है स्टैंडफर्ड में करना है हार्वर्ड में करना है तो आपकी सैलरीज बहुत कम होंगी क्योंकि वो बड़े टॉप के एकेडमिक सेटरिंग हैं और यहाँ बड़े शहर हैं अगर आप कहते हो कि मैं इन द मिडल ऑफ नो वेयर जाके कहीं भी जाने को तैयार हूँ कैंसा में चल जाऊंगा एलबामा में चल जाऊंगा मिड वेस्ट में चल जाऊँगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी जिस तरह पाकिस्तान में है ना कि लाहौर में सेचुरेशन है कराची में सेचुरेशन है लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में चल जाओ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है तो काफ़ी हद तक इसी तरह है कि अगर आप रूरल एरियाज़ में चल जाते हैं तो आपको सैलरीज भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनको वैसे डॉक्टर मिल ही नहीं रहते स्पेशलिटीज़ का आ, इसके अलावा और क्या है आ, बहुत से ज्यादा लोग जो हैं वो लोकम करते हैं एज अटेंडिंग्स ठीक है मून लाइटिंग कर सकते हो आप अगेन मैंने उनके आपको जो रेट्स बताए वो मच इसी तरह है आपको जो सैलरी मिल रही है आप अपने टाइम ऑफ में आप आवरली काम ले सकते हो या डेली ले सकते हो हॉस्पिटलिस्ट जो हैं जैसे मैंने बताया दे टेक एनी वेयर फ्राम एट्टी टू थ्री हंड्रेड डॉलर लेकिन मोस्टली जो नंबर है ना दैट इज एक्चुअली द रियलिस्टिक नंबर एवरेज दैट इज मोर बिटवीन वन ट्वेंटी डॉलर्स पर आवर मोस्टली इट्स अराउंड वन ट्वेंटी वन थर्टी और जो हायर एंड स्पेशलिटीज़ हैं उनका इसी तरह थोड़ा सा आप डबल कर लो ठीक है आई होप दिस हेल्प्स मुझे कंप्लीटली समझ नहीं आया था कि आपका क्वेश्चन गया लेकिन इफ दिस हेल्प्स प्लीज लाइक द वीडियो और इफ़ यू मैंट समथिंग एल्स तो प्लीज क्लैरिफाइड इन द कॉमेंट्स एंड आई वुल टाई टू ड्रेस दिन इन अदर वीडियो ठीक है uh, चलो गुड लक नेूज होपर की